गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? तो सुबह के 7:15 बजने को आया है और एज यूजुअल हमारा किचन हो गया है ओपन और किचन में बन रहा है आज यहाँ पे मासी के लिए मिट्टी के बटके, ये है मासी के लिए दूध, यहाँ पे हमारी चाय और सब खाने वाले हैं आज ब्रेड और कुकर में है मकाई। तो कियान के स्कूल के टिफिन के लिए बन रहा है मिनी पिज्ज़ा और बाकी सबके लिए बन रहा है नाश्ता। चलो बाहर चलते हैं और मिलते हैं सबसे कि क्या कैसी गुड मॉर्निंग रही सबकी। तो सब लोग बाहर ऐसे खड़े रह गया है वेदर का लुफ्त उठाने। पापा गुड मॉर्निंग। हाँ, ये बच्चे तो रोज जाते हैं, इतनी मस्त लाइन में सब चल के जाते हैं ना, देखो इसको। हाँ पापा लाइन में जो है खबर नहीं, हाँ रस्तों जो वो चिराग तोड़ो जाए के भी लेते हैं। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो अच्छा वेदर है ना, मजा आ गया। आज चलने नहीं गए ना? आ जाएगा बारिश, कल आएगा। कितना दिन हो गया बारिश ही नहीं दिखता। हम तो पापा 15 दिन से वेट कर रहे हैं पर आई नहीं रही है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। हूँ बफार हो चे ना, मेन पर से वो था। अच्छा तो इतनी सुबह सुबह पर, हाँ तो इतनी तो है ही, इतना नहीं कि सुबह सुबह जो होता है ना ठंड। अरे पंखा लगाई जो है, क्या इधर पंखा लगा देना है इधर, फिर बालकनी में बैठेंगे। पत्ता रमेंगे इधर, पत्ता रमेंगे, पत्ता रमा लगे। कल देर रात तक भी हमने ठोहा रमा, मजा आया था। तोड़ी नहीं कोई पापा, हमें ये नहीं चलते, मारो बाय ने मारो। કેમ તાડો હે કોણે તોડી નાખો? સોરી કહી દે, ક્યાં ગ્રીન બી ટાઈગર આ રહા હે? ઠીક હે, ક્યાં ટાઈગર આયા? બાર આવીને, બાર આવીને ઉભો થજે, ભાગી જશે। चलो भाई सब लोग खेल रहे हैं, मासी गए हैं नहाने, अभी फटाफट मैं नाश्ता बना देती हूँ, बाद में। बज गए अभी 8:50 और यहाँ पे चिराग कर रहे हैं ड्राइव, मैं जा रही हूँ चिराग के साथ और हम दोनों जा रहे हैं मंदिर, बहुत दिनों के बाद साथ में मंदिर जा रहे हैं। नींद आ रही है रिंकल, आज सुबह सुबह क्यों आज सोए नहीं ठीक से? तुम लोग ने वो उठा दिया था। पर चिराग मेरा तो रोज होता है, रात को मैं देर से सोती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ कियान की वजह से, और अभी काम भी रहता है, कियान को लेट हो जाता है स्कूल के लिए, वही चीज तो चलता है। तो मैं भी लेट हो गया था कल, अभी मुझे ये सर्दी खांसी हो रही है ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद कम्प्लीट हो ही नहीं रही है, गेंद चढ़ा हुआ है जो निकल ही नहीं रहा है दवाइयों का ना, तो उसी की वजह से मुझे डार्क सर्कल है और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तेरे आँखों में डार्क सर्कल नहीं रहे, पूरा पूरा यही तेरे डार्क सर्कल में आंखें रही है। सही बात है, ठीक है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करिए, वो थोड़ा मैं करूंगी, टाइम मिलेगा तभी, जो कि अभी घर पे जाके कुछ काम है नहीं, आज तो पूरा निपटा के आई हूँ, आ गई हूँ और काम बना लिया दोपहर का। दोपहर का आज मम्मी मासी बोल रहे हैं कि हम बाबू बाजार जाएंगे, तो दोपहर का खाना शायद नहीं है, पर वो लोगों का अगर प्लान चेंज हो गया तो घर पे जाके फिर बनाएंगे। अभी तक तो कोई प्लान नहीं था, पापा नीचे आए थे ना, तब मैंने पापा को पूछा कि क्या कर रहे हो, जाना है तो मैं गाड़ी छोड़ के जाता हूँ, तो बोले नहीं अभी। पापा को डर लगता है गाड़ी लेके जाने में, नहीं हाईवे पड़ता है ना, तो पापा को ऐसे कि अगर किसी को ऐसे ही टच हो गया तो पापा कहाँ, बेकार में रफ ड्राइविंग बहुत ज्यादा है। मैंने तो बोला था कैब कर दूंगी, आप चले जाना, सबसे बेस्ट है कैब करना है क्योंकि नया रूल्स है रास्ते में। और देखो एक्टिवा वाले के भी जा सकते हैं, पर एक्टिवा में दोनों को हेलमेट पहनना कंपलसरी है यहाँ पे, वरना फाइन लगेगा, तो मम्मी ने बोला हेलमेट हम नहीं संभाल पाएंगे, तो फिर वो ऑप्शन भी कामयाब नहीं रहेगा, तो कैब ही करनी पड़ेगी, देखते वो लोग जाते कि नहीं जाते। मैंने तो बोला आप सोचो ही मत, जाना है तो जाओ, कैब बुक करना है तो अभी। मम्मी सुबह से सबको पूछ रहे हम जाए जाए, मैं सोचने में ही रह जाओगे, अगर जाना है तो चले ही जाओ, मोबाइल तो सबके चार्ज करवा ले और उसके बाद चले जाने का। चलो मंदिर आ गया है और अभी थोड़ा पूजा करके आते हैं। तीनों के तीनों नीचे खड़े हैं, मैंने कैब बुक कर दी है और तीनों जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, चलो मिलते हैं तीनों से। ये देखो तीनों रेडी होके खड़े हैं,
शॉपिंग करने जा रहे हैं मम्मी। हाँ? देखते हैं क्या लेके आते हो, इतना सज धज के जा रहे हो। जो बस बारिश ना हो और परेशानी ना हो, बाकी तो छाता लेके जा रहे हैं। कोई नहीं, मजा आएगा। कैब भी आ गई है, चलो बैठ जाओ। खोलो भैया, खुल्लू चेम कैस मम्मी। भाई मैं और कियान गार्डन में घूम रहे हैं कब से, और कियान को अभी बहुत ही मजा आ रहा है ना बेटा। तुमको बारिश से डर नहीं लगता? डर नहीं लगता मुझे, कियान को भी नहीं लगता। बारिश से बा कहाँ गए कियान? शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करने गए है। ओके चलो हम घूमे। हाँ घूमे। कियान के फ्रेंड्स भी है देखो पीछे। हाँ ये सारे कियान के फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स है ना। चलो घर चलना है? नहीं नहीं जाना। नहीं। ओके। किसको बुला रहे हो आप? डैडी को। डैडी भी आ गए। हेलो डैडी। बीनू छे बद बीनू छे बीनू ने किसको पूछे ना मैंने आप प्लीज जा इन पास बैठो, मैं मार्केट जाओ सब्जी लेने। मंडी चाहिए हुआ जे जाके आओ। हमारे है ना यहाँ पे गुरुवार को मंडी लगती है। होता ये है कि टमाटर का भाव वहाँ पे 100 रुपीज के जी है, यहाँ पे 250 रुपीज के जी लेते हैं। सोचो टमाटर में फर्क होता है? नहीं होता चिरा, पिछली बार मैं वहाँ से ही लाई थी। कोई नहीं तो मम्मी पापा आए तो वहाँ पे। तो अभी मुझे सब्जी बनानी है सेव टमाटर की, वो लोग आए उससे पहले। जा एक्टिव वाले के फटाफट जा। सुबह सुबह हम जा रहे हैं कियान को छोड़ने। कियान गीला हो जाओगे, बारिश आ रही है। डैडी छोड़ के नहीं जाएंगे ना बेटा आपको। देखो 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 अभी हम बैठेंगे ना। देखो डैडी ने यहाँ पे खड़ी कर दी गाड़ी, अभी हम खोल के बैठ जाएंगे। ठीक है बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग चिराग। गुड मॉर्निंग। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी बस थोड़े से दर्शन करेंगे। चलो ठीक से बैठो। मम्मा कहाँ बैठेगी, भीग रही है। ऐसा कराएंगे मैम। हाँ रेन है ना, देखो कितनी अच्छी रेन रेन आ रही है सुबह सुबह। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है रेन में। बहुत मजा आता है। कियान फिर कौन सी राइम गाएगा? बारिश बारिश आई छम छम छम, निकले छाता लेकर हम। बारिश आई कानो सुवाई कानो ना आवड़े। बारिश आई छम छम छम, निकले छाता लेकर हम। ऐसे पूछूंगा, ऐसे पूछूंगा, मैं ऐसे पूछूंगा। ठीक चलो, सब लोग अपनी काम धंधे पे जा रहे हैं। बारिश में आज लग रहा है, पर गर्मी वैसे की वैसी है चिराग। गर्मी वैसे की वैसे दिख रही है। ये देखो प्रणव भाई भी जा ही रहे हैं। प्रणव भाई है ये। फोन मारो। अभी यहाँ पे रिंकल और कियान गए हैं, मैं जाके आ गया हूँ। अभी शंकर भगवान के दर्शन रोज करना चालू करे हैं। रिंकल रोज आती है अभी। अब मैं बड़ी ऑफिस थोड़ा लेट हो जाए या जल्दी चला जाऊं, पर अभी चालू किया है रिंकल ने कि हर मतलब श्रावण में हर रोज एक बार शंकर भगवान जी के दर्शन पे आएंगे आएंगे और आएंगे। तो वो कौन कौन ऐसे लोग है जो हर श्रावण में ये फॉलो करते हैं? बहुत लोग बहुत कुछ खाना भी बंद कर देते हैं, मेरे को भी पता है। जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज बंद कर देते हैं, प्याज लहसुन बंद कर देते हैं, कुछ व्यसन जिसको होता है वो व्यसन की बाधा ले लेता है। श्रावण मास का महत्व बहुत बढ़िया है। जिसको पता है कि श्रावण मास में सबसे मतलब महत्व क्या चीज का है, वो एक आप बता सकते हो अगर आप बताना चाहते हो। मंदिर जाके आए हैं और दूध मार, बारिश हो रही है दूध मार। कियान कैसी बारिश हो रही है? अच्छी अच्छी मेरा दिख रहा, अच्छी बारिश हो रही है। दूध मार देखो बाहर नहीं निकलना है ना स्कूल से, फिर बाहर बारिश होगी ना क्लास में बैठे रहना। ठीक है
चलो कियान की स्कूल आ रही है, सीधा गेट पे ही खड़े रखना है ना। अभी वैन अभी आई जी, हाँ वैन में आता ना तो अभी बच्चे को छाता लेके निकाल रहे सबको एक एक करके। अपने पास तो है पर स्कूल वाले ऐसे ही निकाल रहे हैं ना सबको। वैन के साथ साथ पहुंचा कियान। पहली बार कियान है ना इतनी बारिश में स्कूल गया है ना चिराग। बारिश ही उसके स्कूल और बारिश पहली बार चालू हो रही है। नहीं अगर घर पे होता कियान और इतनी बारिश आती ना तो घर पे सब ऐसे ही बोलते कि आज छुट्टी रहने दो। पर कितने छोटे छोटे बच्चे इतनी भी बारिश में स्कूल आया है। देखो बड़े बड़े बच्चे है ना वो भी मतलब बहाने बनाते हैं कि नहीं जाना स्कूल है ना। अब लेने आएगी ना तो कियान की छोटी वाली छतरी लेके आऊंगी। वो उसके साथ मैंने भेजा नहीं क्योंकि है ना फिर बच्चों को लग जाता है वो जो उसका होता है ना। हाँ तो वो थोड़ा देखना पड़ता है। कई एक दो बच्चे लेके भी आए हैं पर मैम शायद वो रखवा देंगे क्योंकि वो लग जाती है। तो बहुत अच्छी वाली बारिश गिर रही है, बहुत जोरों की बारिश है रिंकल। तुम लोग एक काम करना, बात कर लेना कैब जहाँ तक छोड़ने जा रही है ना आधे से उठा लेना। वो तो मैं मैम से कुछ बात कर लूंगी। तब तक तो शायद ये तब तक तो बंद भी हो सकती है, मतलब बंद भी हो सकती है और पानी भी पड़ सकता है। हमारी सोसाइटी में कुछ कहा नहीं जाता। ऊपर वाले का रहे हाँ, होगा तो अच्छा हम तक नहीं मांग रहे थे बारिश उन्होंने दिया तो हम ऐसा क्यों सोचे कि अभी रुक जाए है ना। वो भी बात है ना एक वही है कि जो चीज मिल जाए ना हाँ, उसको कदर करो। कदर नहीं होती तो कदर करा करिए। यस वो बात एक है। नुकसान मिल रहा है स्टॉक मार्केट में तो भी सहा करिए, प्रॉफिट हो रहा है तो भी सहा करिए। आप सह रहे हो कब से? 3 दिन से तो सही रहा हूँ। मैंने बताया अभी वीडियो लिया था मैंने थोड़ा, तू जब मंदिर गई थी तभी। अच्छा कोई नहीं, चलो अभी मैं जाऊंगी घर और घर पे तीनों पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तीनों से मिलेंगे मतलब मम्मी पापा और मासी, काम वाले दीदी भी शायद आ गए होंगे। पर अभी तो आ ही होंगे। चलो अभी चलते हैं। सुबह के 10 बज गए हैं और कियान जैसे कि देखा आपने स्कूल चला गया है और बारिश भी रुक गई है। चिराग बोल रहे थे कि गाड़ी तेरे लिए छोड़ के जाऊँ तो कियान क्या भीगे नहीं, तो मैंने बोला कि आप जाओ बारिश तो शायद रुक जाएगी। और अभी तो हम क्या बहुत लोग हैं घर में तो एक जन छाता लेके पीछे भी बैठ जाएगा तो वैसे भी कियान आ ही जाएगा। तो चलो मम्मी पापा और मासी सब क्या कर रहे देखते हैं। पापा गुड मॉर्निंग। आ गई पापा, आज तो बारिश आ गई, मजा आ गया आज तो। और मम्मी निकल ना कल मैं यहाँ शॉपिंग करके लाई हूँ दिखाती। चलो चलो भाई मम्मी दिखाते हैं कि क्या कल लेके आए। मम्मी वैसे कल कितने घंटे घूमे आप लोग? हम तो बहुत सारा घंटे घूमे और बापू बाजार में घूमे, जोहरी बाजार में घूमे। मजा आया ना बहुत मजा। वहाँ एक हीरे की मार्केट भरा थी ऐसा सब जो इतने सारे हीरे ये रियल ही रहे मम्मी पता नहीं है क्या है वहाँ तो सब बेचते थे तो मैंने लिए। ऐसे रखो हाथ में नीचे दिख नहीं रहे कांच के हो तो एकदम शाइन वाले हीरे हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं ये तो। ये स्पेशल मार्केट पर आता है हीरे का पूरा वो पैकेट लेके लेकर आपके पीछे 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 भागते है। ले लो इतने में दूंगा इतने में दूंगा इसे करता है तो कलर कलर वाले लिए मैंने दो ये येलो कलर के लिए है। मेरे को एक पेंडल बनवाना है और एक अंगूठी बनवानी है सोने की बनाऊंगी। ये तो पहली बार देखा ना हमने। नहीं मिलता है सब जगह? नहीं हम गए थे कितनी बार हमें एक भी बार मिला नहीं था। मार्केट में नहीं मिला है लेकिन गुरुवार के दिन भरा था होगा ऐसा लगा। कल गुरुवार था ना तो हो सकता है वैसे तो मतलब जो जयपुर वाले लोग हैं उनको अगर पता हो कि ये क्या गुरुवार के दिन ही मिलता है आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करना। पेंडल करवाना है और ये अंगूठी करवाऊंगी दोनों से हट लिए। ये भी अच्छे है वैसे शाइन कर रहे है। इसमें कितने कलर थे मम्मी? सब कलर थे, पर्पल थे, ब्लू कलर थे, सारे कलर कलर थे। तो ये अच्छा है वैसे, ये अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छे है। वहाँ दिखाऊंगी अच्छा निकलेगा ना बनवाऊंगी ना रेटी भी अच्छा निकलेगा तो दूसरी बार आओगे तो कलर कलर कर लूंगी सारे कलर के वो रिंग अच्छी बन जाएगी। मैं एक रिंग बना कर आप बना तो लो एक बार की आकृति को बना कर दूंगी लेकिन पहले मैं बनाकर देख लूँ कैसी है। और ये डायमंड टिकता मतलब ये टिकता है कि नहीं टिकता हमें तो पता नहीं है कुछ। और ये अच्छा वाला है देखो मैंने मैंने वो जैसा पहना है ना वैसे ही मम्मी लाए है ये द्वारका से लाए थे। इसमें जो दिख रहा है ना वो वाले हैं मेरे भी यही है। तो आप इतने सारे क्यों लाए? मंगवाए हैं किसी ने। अच्छा तो बहुत सारे डायमंड मम्मी तो हीरा वाले हो गए पापा तो क्या हुआ हम वैसे भी हीरा पे
मम्मी सूरत में हीरा ज्यादा फेमस है, आप जयपुर से हीरे लेके जा रहे हो। हीरा वाला तो उसकी कैपेसिटी नहीं है हमारी, तो हीरा हस्बैंड हीरा वाला मिला होता तो अच्छा था, तो बड़े बड़े डायमंड करके पहनती, लेकिन हस्बैंड कपड़े वाला मिला तो कपड़े पहन रहे हो। ये बात अच्छी है। तो ये शॉर्ट लिया कबीर के लिए और मम्मी ने एक ड्रेस लिया और एक कबीर के लिए। ये बहुत अच्छा है, इसके साथ चड्डी नहीं थी, वो तो लहंगी पहन लेगा या कुछ भी है। ए वो बार बार जाता है ना गैलेस्टन बीच पर, चल जाता है, चल बहुत अच्छा है भाई। चलो भाई, मम्मी आप इतना घंटे गए थे, इतना ही लेके आए आप? हम पूरे मार्केट घूमे, फिर वहाँ लस्सी पी, फिर वहाँ कचौरी खाई हमने, सब दुकान पे घूमे। वो मोती वाली दुकान थी ना, इसमें तो बहुत सारे घूमे। इस बार मम्मी पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्वेलरी कुछ नहीं लाए, वरना हर बार ज्वेलरी ले। मैंने तो अब नहीं लानी है, बहुत ले ली ना मम्मी। तो पड़ी रहती है कहीं जाना। पिछली बार सिल्वर की लाए थे आपने, अगर देखी होगी हमने दिखाई थी सबको, तीन जोड़ी बूटी लाई थी, बहुत महंगी वाली थी। हाँ, पर वो भी पड़ी है, पहनी तो है नहीं। वो एक बार पहन लो ना, बाद में फिर लेके जाना। ज्वेलरी नहीं तो मैं लूंगी, आप तो जूठा पहनते नहीं हो। हाँ, तो फिर मैं रख के क्या करूँगी, आप कोई नहीं, तू भी पीछे पहनने वाला तो कोई है नहीं। पर मम्मी इस बार ज्वेलरी नहीं ली, पर बनाने वाला ले लिया। गोल्ड नहीं बनाऊंगी, गोल्ड तो तुम दोनों ले लोगी। गोल्ड सिल्वर दोनों ले लेती है, ये पक्की है आपकी, दोनों पक्की है। तो मम्मी ये कितने का आया बताऊंगी नहीं, पर इतना सोने के भाव जितना तो होगा नहीं, नहीं। तो इसके पीछे सोने का कितना खर्चा हो जाएगा? तो देखो, सिर्फ डायमंड के लिए आप सोना खरीदोगे? कोई बात होगा, हुआ यही ना। मेरी अंगूठी मुझे पसंद नहीं है, भंगवा कर मैं इस सोना इसमें डाल दूंगी। अच्छा, हाँ वो हो सकता है। कौन सी वाली? ये वाली। अच्छा, इसकी बुट्टी तो नहीं बनेगी, सबके दो लिए होते हैं, उसमें टूटेगा तो नहीं। तो ऐसे क्यों लिया आपने, एक बड़ा और छोटा? एक अंगूठी बनाओ, एक पेंडल बनाओ। तो फिर इयर रिंग्स तो रह गई, वाइट आप ये पहनोगे और ये येलो पहनोगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? पहले रिंग बनाना, वो कैसी दिखती है बाद में। दूसरी बार मैं जाऊंगी ना, तब ये दो से दो इयर रिंग के ले लूंगी। हाँ, पर मिल जाएंगे ऐसे? मिलेंगे, गुरुवार के दिन ही जाऊंगी। वैसे गुरुवार का यहाँ है, हमारी मार्केट भी, सब्जी मंडी भी गुरुवार को लगती है। लगता है गुरुवार को कुछ होगा, बहुत सारे पब्लिक के, तो हमने तो क्या हुआ इधर एक्सीडेंट हो गए, फिर सब दुकान घूम घूम के वापस इधर आए ना, तो सब हीरे बेच रहे थे। तो वहाँ पे ही किसी को पूछ लेते हैं कि गुरुवार को ही होता है? पूछा नहीं ना, हम लेने में रह गए। वो है, फिर बारिश आई तो दुकान में घुस गए, तो दुकान के अंदर एक दो घंटा निकलने। अभी तो मम्मी आदि भी मार्केट नहीं घूमे अब, है ना? बहुत गए, थक गए। जिस गली में जाओ ना, फिर दुकान तो गंदगी बहुत है। वो एक पुरोहित जी का कटला है, वो तो बहुत बड़ा है, इसमें सब मिलता है। उसमें जाएंगे, उसमें तो सब कुछ मिलता है, हीरे का नहीं पता, बाकी सब कुछ मिलता है। तो इधर जाएंगे, और एक दिन वो सिटी मॉल में जाना है। हाँ, वहाँ पे ही जाएंगे। ज्वेलरी हम गए थे तब, याद होगा तो मेरा मोबाइल तभी उसी दिन टूटा था, तब हम वहाँ गए थे, वो तो यादगार दिन है ना मम्मी। मैंने कार में आ रही थी ना मैं, तो मैंने सिटी मॉल देखा, मैं तो इसमें ही गए थे हम। अच्छा, तब आया होगा। तो रास्ते में आया तो जाके रहते, तो वो तो वहां तक के पैसे देके फिर छोड़ देते उसको। हमको ऐसा पता नहीं था, फिर कैसे करे, तो वो भैया से ही पूछ लेते। वो भैया है ना, वो वहां तक का कट करके फिर मैं वापस कर देती वहां से ऊपर। तो आपने वो गलती की, वहां जाके आना था। तो जाके आए तो अच्छा था, क्योंकि ये हमें दूर हो जाता है ना, तो आधा तो बच जाता आपका। कोई नहीं, वापस जाएंगे हम, कहीं जाने वाले हैं ना संडे, तब देख लेंगे। संडे तो बंद होता है सब, वो फाइन ज्वेलरी उस दिन तो खोल दी थी ना उसने। आप संडे ही गए थे? तो फाइन ज्वेलरी में गए थे। अच्छा, हाँ, ये सिटी मॉल तो बंद होता है संडे। ज्वेलरी सारी बंद होती है जयपुर में, हमारे सूरत में ऐसा नहीं है। सूरत में भी सब संडे को बंद ही होता है, ज्वेलरी वाली बंद होती है। यहाँ पर चौटापुर भी पूरा बंद होता है, कपड़ा का भी बंद होता है। दिवाली के टाइम सब खुला रहेगा, लेकिन दिवाली पे सब खुला रहता है।
कोई नहीं, चलो मम्मी ने इतनी अच्छी शॉपिंग करके आया है और अभी जाएंगे, अभी जाएंगे कहीं और तो जाएंगे, मैं बोल रही हूँ ना पूरे जी का कटला वहाँ जाएंगे, वहाँ लेकर जाना, मैंने नहीं देखा वहाँ पे, मम्मी होलसेल का ज्यादा है तो वहाँ पे कम दाम में आपको शायद मिल सकता है सब कुछ, होलसेल की दुकान है पर वो रिटेल में बेच रहे हैं, कपड़े का भी पूरा कबाट भरा हुआ है वहाँ, कपड़े का भी है और फेस्टिवल सीजन का जो जो आता है ना वो सब कुछ वहाँ पे मिलता है, मुझे घर में लाना नहीं है, खाली करना है तो कोई रहता नहीं, हम उधर दो लोग रहते हैं तो सब खाली कर देना है, वो बात सही है, कोई नहीं चलो हम जाएंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे, सोच रही थी कि गांव में घर बना दो एक और ये सब सामान वहाँ शिफ्ट कर दो, आधा सामान उधर डाल दो फिर यहाँ नया ला दो, नहीं कुछ लाना ही नहीं है फिर लाओगे ही मम्मी आप, नहीं नहीं, नहीं, नहीं अब तो नहीं लाते हैं ना मम्मी पापा, नहीं तो दो देखो पापा को बुझाओ, चालू करना था ना के लिए अपूर्ति के लिए रखने का, रख रख के फिर इकट्ठा करते है इतना ज्यादा, मेरे को नहीं चाहिए वो बोलते हैं, हाँ तो हम बंद कर दिए, तभी तो पहले से हम मना करते हैं मम्मी आप मत लिया करो, नहीं आपकी शादी जब हुई हाँ बरोबर तो घर में कितनी चीज चाहिए तो मैंने पहले से सब जमा करके दोनों का घर चालू किया तो सही है, एक साथ लेने पर वही तो बात है कि आपने पहले से जमा करके रखा था तभी तो पता नहीं चला, दोनों का घर टाइम नहीं लगा था, तो वो बात तो है पर अभी क्या सबको मतलब मेन बात ये है कि आप उठा के मत लाया करो, इस बार आप क्या लाए तो फिनाइल, नहीं वो फिनाइल मम्मी क्या लाया अभी तो मैं दिखाती हूँ, दिखाया नहीं था इस बार, वो कपड़े धोने के लिक्विड लाए फिर वासन धोने का लिक्विड लाए, ऐसा नहीं उठाना चाहिए ना मम्मी, ये यूज करके तू याद करे, याद तो मत, इसीलिए हम नहीं बोलते ना, आप वजन वजन के लिए मैं मना कर रही हूँ कि वजन मत उठाया करो मम्मी, लेकर जाओ इधर ऐसे ले लेंगे, नहीं नहीं मम्मी वजन हतो के नहीं आई बात यार, खुट हाथ तोड़वाना ने तो एक कुलित करो नहीं हो, एक थैला में कुलित कर तो वजन वजन दर वक्त तो तीन चार थैला लेना भी, वक्त एक थैला लेने आवे, बे थैला लेने, मुझे पता है सब कमेंट करेंगे, सबके मम्मी पापा ऐसे भर भर के सब भेजते है, ये सब प्यार होता है, पर हम सोचते है कि आप वजन ज्यादा मत उठाया करो क्योंकि वो सब चीजें यहाँ पे मिलती है, थोड़ा पैसों का आमदम होता है यहाँ पे, थोड़ा महंगा पड़ता है वहाँ सस्ता होता है, तो वो बात अलग है। चलो भाई अभी खाने पीने का कुछ करेंगे दोपहर का, अभी काम वाले दीदी भी नहीं आए हैं, 10 बज गया है, फोन किया है बारिश रुक गई है तो आ जाएंगे वो, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो, कल वापस मिलेंगे, बाय।